काकतिष्ठा बोधानं श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी महत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर 12 यानी कि लेसन नंबर 12 जिसका नाम है विद्याधना। तो चलिए आइए कंप्लीट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत इजीली आप इनके आंसर दे पाएँ। ये बहुत ही आसान विधि है, इसमें सभी के उत्तर दिए गए हैं। इनको अगर आप ऐसे ही रट लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। पेज नंबर 68 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। तो जो सही शब्द है उसके आगे आम लिखना है और जो नहीं है उसके आगे न लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं जिससे कि आपको सीधा सीधा आंसर करने में बहुत इजी हो जाए। क हमारा है विद्या राजस्व पूजते, तो इसके आगे आएगा आम। अगला है वागभूषणम भूषणम न, इसके आगे आएगा न। अगला है विद्याधनम सर्वधनेश प्रधानम, इसके आगे आएगा आम। अगला है विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवत, इसके आगे आएगा न। अगला है सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, इसके आगे आएगा आम। तो पहला क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 68 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, अधो लिखतानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत। तो हमने अपने इसमें क्या करना है, जो शब्द दिया हुआ है उसका लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पद है हमारा, पहला जो इन्होंने दिया हुआ है शब्द दिया है वो है नरस्य। तो नरस्य का लिंग कौन सा है, ये है पुलिंगम, और विभक्ति है षष्ठी, और वचन है एक वचनम। अगला है गुरुणाम, इसका पुलिंगम विभक्ति आएगी षष्ठी और वचनम आएगा बहुवचन। अगला है केयूराहा, इसका लिंग हो जाएगा पुलिंगम, विभक्ति होगी प्रथमा और वचनम होगा बहुवचनम। अगला है कीर्तम, इसका लिंगम होगा स्त्रीलिंगम, विभक्ति होगी द्वितीया और वचनम होंगे एक वचन। अगला है भूषणानि, इसका लिंग होगा नपुंसक लिंगम, विभक्ति होगी द्वितीया और वचन होगा बहुवचनम। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुके हैं, इसके आंसर हमने सारे कर लिए हैं। तो आपको इसको एज इट इज रट लेना है जिससे कि आपको कोई परेशानी हो ना इसको करने में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर ठीक है, श्लोकानाम श्लोकांसन योजत, श्लोक आंसन योजत, यानी इसको आपने श्लोक करेक्ट बनाना है। ये इन्होंने ऊपर नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे, तो सही के आगे क्या क्या आएगा, कैसे करेक्ट श्लोक बनेगा ये हमें बनाना है। विद्या राजस्व पूजिते न ही धनम, तो इसके आगे आएगा विद्यावहिनः पशुः, केरह न विभूषयति पुरुषम, इसके आगे आएगा हारा न चंद्रोजलः, न भ्रातम न च भारकै, ये आएगा न चौर्यः न च राजहार्यम के आगे। अगला है सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा, तो इसके आगे आएगा रत्नवर्णा भूषणम। अगला वाणी का संगलम करोति पुरुषम, इसके आगे या संस्कृता वार्धते। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एक बार इसको पूरे से आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये बुक के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है,
तो आपने करेक्ट के आगे इसको करेक्ट लगा देना है। अगला पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, एक ही शब्द में इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है। क्वेश्चन हमारा है कह पशु, तो आंसर आएगा विद्यावहीन पशु। ख है का भोग करी, तो इसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा विद्या भोग करी। अगला है ग के पुरुषम न विभूषयन्ति, तो इसका आंसर आएगा केरा पुरुषम न विभूषयन्ति। घ हमारा है का एका पुरुषम समलंकरोति, तो इसका आंसर, इसका उत्तर होगा वाणी एका पुरुषम समलंकरोति। अंग हमारा है कानिष्यते, तो इसका आंसर आएगा अखिल भूषणानि शियन्ते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेखाकृत पदांति अधिकृत प्रश्न निर्माणम कृत, यानी जिस शब्द को रेखा लगा रखी है, जिसके नीचे लाइन दी हुई है, उसको आपने उसका प्रश्न बनाना है। अगला फर्स्ट कॉज हमारा है वो है विद्यावहीनः नरः पशुः अस्ति, तो इसका उत्तर आएगा विद्यावहीनः कः पशु अस्ति, तो ये उत्तर लिखे हुए हैं, इसका आपने क्वेश्चन बनाना है। ख हमारा है विद्या राजस्य पूज्यते, इसका आएगा का राजस्य पूज्यते। ग हमारा है चंद्रो जलवाह हारः पुरुषम न अलंकुरंती, तो इसका जो उत्तर बनेगा इसका वो होगा चंद्रो ज्वल्लाह के पुरुषम न अलंकृति। अगला हमारा है घ क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा है पिता हिते नियुक्ते, तो इसका बनेगा का हिते नियुक्ते। अगला है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, तो इसका बनेगा विद्यानम कथम धनम अस्ति। च हमारा बनेगा विद्या दिक्षु कीर्ति तनुनी तनुति, तो इसका बनेगा च विद्या कुत्र कीर्ति तनुति। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अगला पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है इन्होंने पूर्ण वाक्य ने प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। क हमारा है गुरुणाम गुरु का अस्ति, तो उत्तर आएगा गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। ख हमारा है कीदृशी वाणी पुरुषम संगलं करोति, तो इसका उत्तर आएगा संस्कृता धारेते वाणी पुरुषम संगलं करोति। ग हमारा है व्यव्ये कृते किं वर्धते, तो इसका उत्तर आएगा व्यव्ये कृते विद्यां वर्धते। घ हमारा है भाग्य संगे आश्रय कह, उत्तर आएगा भाग्यक्षे आश्रय विद्या अस्ति। सेम पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7, मंजुषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, ये सामने चित्र दिया गया है, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, इसी में से अपने शब्द चुन के सही लिखने हैं, यानी कि सही उसका पुलिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिखना है। यथा जैसे हारा अलंकता और भूषणम, यानी नपुंसक लिंग में भूषणम है, स्त्रीलिंग में अलंकता है, और पुलिंग जो है वो हारा है। तो ऐसे ही जो पशु है उसका आपने बनाना है, तो ये होगा पशुः विद्या धनम। अगला है गुरु, गुरुः संस्कर्ता कुसुमम। नेक्स्ट मर्झा रति सततम, तो ये सारे शब्द हमने जो है लगा लिए हैं, यानी पशु के आगे विद्या और धनम, गुरु के आगे स्त्रीलिंग में संस्कृता, और नपुंसकलिंग है इसमें कुसुमम, और दूसरा है
मर्दजा, तो इसका स्त्रीलिंग में होएगा रति और नपुंसक लिंग में होगा सततम। तो यहाँ पर ही हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। तो ये चैप्टर इसी के साथ ही यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।